नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज सोमवार को आखिरी दिन है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इन तीनों प्रमुख पार्टियों ने अभी तक 250 वार्डों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तीनों पार्टियों के सभी 750 उम्मीदवारों के अलावा कई अन्य निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी आज पर्चा भर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज करीब 1000 से ज़्यादा उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मनोनीत पार्षद हसीब उल हसन बिजली के हाई टेंशन वायर के टावर पर जा चढ़े। मामला तब शांत हुआ जब आपके जिला अध्यक्ष उनके कागजात लेकर पहुंचे। दरअसल मामला जब बिगड़ा जब आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मनोनीत निगम पार्षद हसीब उल हसन बिजली के हाई टेंशन वायर के टावर पर चढ़ बैठे। वह शास्त्री पार्क बोर्ड से टिकट न मिलने से नाराज थे। कई घंटे तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा तब शांत हुआ जब आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष उनके कागजात लेकर मौके पर पहुंचे। टावर से नीचे उतरने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। इसके बाद गांधीनगर पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर थाने चली गई। टावर से नीचे उतरने के बाद हसीब उल हसन ने कहा कि अगर मीडिया यह सब न दिखाती तो पार्टी नेता मेरे कागज वापिस नहीं करते और मैं इस चुनाव को नहीं लड़ पाता। जब उनसे पूछा गया कि आपकी आगे की अब रणनीति क्या रहेगी तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा इस अगला जो फैसला है वो मेरे समर्थक मिल बैठकर एक साथ करेंगे। क्या किसी भी पार्टी को अपने कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो आइए सुनाते हैं आपको टावर पर चढ़े नेता ने अपनी क्या बात रखी। मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मेरी बैंक की पासबुक, मेरा पहचान पत्र सब इन्होंने जो आईपी एड्रेस मेरा सारा का सारा आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आपको टिकट देंगे। टिकट दे या ना दे मगर मेरे कम से कम मुझे चुनाव तो लड़ने दे। मेरे सारे के सारे पेपर रखिए, बार बार मांगने पर मैं कह रहा हूँ मेरे पेपर मुझे दे दो, मगर पेपर नहीं दे रहे। इन्होंने जो भी करा इस समय अगर मैं कहूँ कि अगर इन्होंने टिकट बेचा तो सब पहले टिकट बेचा, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे पेपर मुझे दे दो और मुझे को नहीं। अगर मुझे कुछ हुआ मेरी मौत की जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक आदिशी की होगी कि जिन्होंने ये मेरे पेपर रखे। टिकट बेच दिया 3 करोड़ रुपये में दीपू चौधरी के हाथ। बार बार कहा विमान पर ही मेरे पेपर दे दो, अरे भी नहीं दे दिया। वो ये चाहते हैं कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं, जाते 3 करोड़ का टिकट बेच दिया।